फतेहाबाद हंस कॉलोनी के लोग खुद को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और राशन कार्ड बनाने की मांग की। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के कई बार चक्कर काटने के बाद भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, इस बारे में जिला उपायुक्त से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी जब कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर डीसी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, तो डीसी ने मीटिंग में होने का हवाला देकर शिकायत नहीं ली। राशन नहीं है जी, मिलता नहीं है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इनमें हमारा नाम जोड़ा जाए और हमको राशन दिया जाए। काफी साल हो गए हैं, कोई अंत भी नहीं है। कई बार मिल चुके, कोई सुनाई नहीं करता। हाँ, आए खड़े हैं और सर मिले नहीं, क्या करें। डीसी साहब को मिलने आए थे और पहले भी चार पांच बार मिले हैं। हमारे को कोई खाद्य आपूर्ति में नहीं जोड़ा गया है। हंस कॉलोनी के रहने वाले हैं और हम जब भी आते हैं, जब भी हमारे को ये दिलासा दे देते हैं, काम कुछ नहीं होता है। मांग यही हमारे को खाद्य आपूर्ति में जोड़ा जाए और हमें राशन मिलना चाहिए। हम गरीब लोग हैं और जो आज भी आए हैं, आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 साल से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। अच्छा।